ओम शांति। 18 जनवरी 1969 को प्रजापिता ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। गुलजार दादी उनके निमित्त संदेश लेने के लिए जाती हैं। यह हम पढ़ रहे हैं, आज चौथा संदेश है। क्या बाबा देते हैं, क्या कहते हैं, हम दादी के साथ सूक्ष्म वतन में चले। आज जब वतन में गई तो जैसे ही हम पहुंची तो बाप दादा सामने थे, लेकिन क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा के गले में ढेर मालाएं पड़ी थी, ढेर की ढेर मालाएं पड़ी हुई थी। फिर बाबा ने कहा, ये माला उतार कर देखो। माला उतारी तो कोई बड़ी माला थी, कोई छोटी। क्या क्या हमने कहा, बाबा इसका क्या रहस्य है? बाबा बोले, बच्ची ये सभी बच्चों के बुलहनों की माला है। किसकी माला है? उलहनों की माला है, क्योंकि उलहना शिकायत। हाँ, उलहना देते हैं, मतलब ये बच्चों की उलहनों की माला है, क्योंकि हर एक बच्चे जब एकांत में बैठते हैं तो बाबा को सुनने में उलाना ही देते हैं। हर एक बच्चे ने बाप को उलहनों की माला जरूर पहनाई है ना, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी। बाबा ने कहा, बच्चों को ड्रामा बल याद है, लेकिन प्यारे ते प्यारी चीज तो जरूर है। तो अचानक ड्रामा को वंडरफुल देख हर एक बच्चा दिल ही दिल में उलाहना देते रहते हैं। यूं तो ज्ञान बच्चों को है, बच्चों को ऐसे तो ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम का स्नेह भी तो है ना। इसलिए इन उलाहनों को गलत नहीं कहेंगे। फिर हमने पूछा, बाबा आपने इसका रिस्पॉन्ड क्या दिया, ये जवाब क्या दिया? उन्होंने तो उलाने कर दिए, तो आपने क्या जवाब दिया? तो बाबा बोले, जैसा बच्चा वैसा रिस्पॉन्ड, वैसा उसको जवाब। बाबा ने कहा, मैं भी रिस्पॉन्ड में बच्चों को उलहनों की माला ही पहनाता हूं। ये कौन सी, मैं कौन सी माला पहनाता हूं? फिर बाबा ने सुनाया, जो बाप की आश बच्चों में थी वे साकार रूप में बाबा को नहीं दिखलाई। भाई जितना बाप समान बनना था वो बच्चे बन के दिखाई नहीं दिए। जो अब अव्यक्त रूप में दिखलानी है, अब जो कमी रह गई है अब वो कमियां अब दूर करनी है। बाबा ने कहा, ये उलाना भी मीठी रू रिहान है। रू रिहान को अंग्रेजी में कहते हैं इंटरव्यू, साक्षात्कार, बातचीत। ये भी एक खेल पाल बच्चों का है। साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रृंगार कराया वो अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। जितना मैंने ज्ञान सुनाया, ज्ञान से तुम्हें सजाने का प्रयत्न किया, अब बाप दादा देखेंगे। वो सीन पूरी हो गई। फिर भोग स्वीकार कराया। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? किसने पूछा? दादी। ठीक है,
बाबा से पूछ रहे, ब्रह्मा बाबा से कि बाबा आप सारा दिन क्या करते हैं? ठीक है, बाबा ने कहा चलो मैं तुमको वतन का म्यूजियम दिखाता हूं। तुम तो म्यूजियम बनाने के पहले प्लान बनाते हो ना, बाबा का म्यूजियम तो एक सेकंड में तैयार हो जाता है। बाबा का म्यूजियम कितनी देर में तैयार होता है? एक सेकंड। फिर क्या देखा, एक बहुत बड़ा हाल था। एक ही हाल में हम बच्चे ढेर के ढेर मॉडल के रूप में खड़े थे, हम खड़े हुए थे, हम सारे जो नीचे बैठे हैं हम बच्चे ही ऊपर मॉडल के रूप में ढेर के ढेर खड़े थे। हमने कहा बाबा ये तो हम ही म्यूजियम में खड़े। बाबा ने कहा बच्ची बाबा का म्यूजियम यही है, बाबा का म्यूजियम यही है। अब तुम जाओ, जाकर एक एक मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। जैसे आर्टिस्ट मूर्ति को सजाते हैं, तो बाबा ने कहा देखो बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। हम जब मॉडल के पास गई तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा, पूरी सजी हुई मूर्तियां खड़ी दिखाई पड़ी, सारी मूर्तियां सजी हुई खड़ी। बाबा ने कहा जो मोटा श्रृंगार है वो तो साकार में ही बच्चों का करके आए हैं, पर आप अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे हैं? सभी श्रृंगार तो है, जेवर भी है, परंतु जेवर में बीच में नग लगा रहे। बाबा के कहने के बाद कोई कोई में जैसे एक्स्ट्रा नग दिखाई पड़े। बाबा ने कहा बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर, ध्यान से समझना शिक्षा क्या दे रहे हैं, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। व्यक्त मतलब जैसे अब हम है, पर तो हम एक दूसरे के संपर्क में आए अव्यक्त रूप, अपने आप को आत्मा न्यारा और प्यारा समझकर किसी को भी अपना और पराया नहीं समझ। न्यारा और प्यारा माना सब अपने हैं, कोई अपना नहीं, सब अपने हैं कोई अपना नहीं, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ ऐसे होना, ये है अव्यक्त स्थिति। समझना है, सब अपने हैं मतलब सब आत्माएं मेरे बाप के बच्चे मेरे भाई हैं, परंतु हर आत्मा अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, अलग अलग। मैं मेरे अनुसार करे नहीं, जैसे भी कर रही है वो एक्यूरेट, बस मतलब ये बात अव्यक्त स्थिति है। वे मिस कर लेते हैं, ऐसा नहीं करते बच्चे, इसलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नग है वो कम, वो नग उनको क्या लगा हुआ है, कम लगा हुआ। तो जिसके कर्मातीत स्थिति का नग कम है, कर्मातीत कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से न्यारे, कर्म किया खुशी नहीं कोई गम भी नहीं, कर्म किया परंतु कोई खुशी भी नहीं है कोई गम भी नहीं, पता तो है हमें करने की कोई खुशी नहीं है कोई गम नहीं है, ये है कर्मातीत, कर्मातीत कर्म करते हो भी न्यारे और प्यारे, न्यारे भी और प्यारे।
तो जिसके जीवन में जो कमी है देखता हूं वह सजा रहा हूं। जैसे साकार रूप में यह कार्य करता था, बच्चे को समझाना, बच्चे ऐसे करो ऐसे करो, साकार रूप में तो ऐसे होता है ना, या उसको करके दिखाना ताकि वो भी करने लग जाए। बाबा करके दिखाते थे, है नहीं, मतलब मुंह से नहीं बोलते थे, करके दिखाना, तो बच्चे अपने आप बाबा को देख के करने लग जाते। वो सजा रहा वही फिर अव्यक्त रूप में करता हूं, तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं ऐसे बच्चों को भासना आती है, उनको महसूस होता है कि कोई हमें सजा रहा है। उस टाइम जो योग युक्त बच्चे होंगे उनको भासना आएगी कि बाबा अब मेरे से बात कर रहे हैं, सजा रहे हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता हूं, कहलाता रहता हूं, अव्यक्त रूप वाले बच्चे वे अनुभव कर सके। और जो न्याय नीचे तो जो अपने आप को न्यारा और प्यारा समझते हैं उन्हें मेरा अनुभव अनुभूति हो सकती है। मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूं। ऐसी टचिंग बच्चों को होती होगी, पूछना, ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही होगी। मैंने कहा बाबा आप सभी को अव्यक्त वतन में क्यों नहीं बुला लेते, तो कहीं बुला लो, ठीक है कि नहीं, यहां ही बड़ा सेंटर खोल दो। अभी तो सभी बच्चे उपराम हो गए हैं कि बाबा चले गए, अब हम यहां क्या करेंगे रह गए। बाबा ने कहा ये उपराम अवस्था होनी ही चाहिए, सबको विराग आ गया, अब हम यहां क्या करें रहकर, अभी तो हमें भी जाना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये भी याद की यात्रा को बल मिलता है, ये उपराम अवस्था सहज याद का तरीका है। आप बच्चों को कहना ज्यादा समय नहीं है, बाबा कभी भी किसी को बुला ले, बाबा कभी भी किसी को बुला लेंगे। अच्छा, ओ कैसा मुलाकात, सोचा होगा कि ऐसे भी